अब खबरें विस्तार से। शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। मानगो आजाद नगर में आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। उसे बचाने गए व्यक्ति पर भी कुत्तों ने हमला किया। मानगो क्षेत्र में लोग आवारा कुत्तों से लोग भयभीत हैं। आए दिन इन कुत्तों के हमले की खबर आ रही है। बुधवार को आजाद नगर में घर से बाहर खेल रहे एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें दो बच्चे घायल हुए हैं। वहीं बच्चों को बचाने गए मोहम्मद जावेद नामक व्यक्ति भी डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। सही वाक्य है जवाहर नगर रोड नंबर 14 का, जहां पे बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं जो बच्चों को आए दिन काटते चले जा रहे हैं। तो आज मैं इस बच्चे को बचाने के लिए मेरे को भी काटा इस बच्चे को। उस कुत्ते ने एकदम झिंझोड़ रहा था पकड़ के, तो मैं वहाँ पे देखा, मैं गाड़ी लेके पार होता, मैंने वहाँ गाड़ी रोक के इसको बचाया, कुत्ते को मारा, कुत्ते ने इसको छोड़ के फिर मेरा पैर को पकड़ लिया। करंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में इंटर संकाय कला में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग छात्रों ने उठाई है। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां 3 विधानसभा क्षेत्र के बच्चे पढ़ने आते हैं। पिछले वर्ष कुल 750 बच्चों का नामांकन हुआ है, मगर इस वर्ष सीटों की संख्या कम कर दिए जाने से छात्रों में आक्रोश देखा गया। इस महाविद्यालय में संकाय कला इंटरमीडिएट, जिसमें से 500 से बढ़ा करके 750 किया गया था, यहाँ के छात्रों को स्थिति को देखते हुए, लेकिन यहाँ के प्राचार्य ने 500 कर दिए। इससे बहुत सारे स्टूडेंट अपना आवेदन भरे थे यहाँ पर, लेकिन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का लिस्ट नहीं आने से आज भी वो स्टूडेंट दर दर भटक रहे हैं। इस रेशियो में मेट्रिक स्टूडेंट पास किया है, इस रेशियो में यहाँ विद्यालय भी नहीं है, ना ही महाविद्यालय है, और उन लोग का एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा। हम लोग ये मांग करते हैं कि यहाँ के विद्यार्थियों को कम से एडमिशन मिले। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर खास महल स्थित सदर अस्पताल से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से खास महल स्थित सदर अस्पताल में एक सादे समारोह में सिविल सर्जन ने जागरूकता रथ को रवाना किया। कार्यालय में जनसंख्या नियंत्रण पर कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में हम लोगों से भी अपील किया कि जागरूक बनिए और दो से अधिक बच्चा पैदा मत करिए। एक और हम लोग नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत भी हम लोग आज नारा दिए कि बेटी जो है किसी से कम नहीं है और बेटा बेटी में कोई फर्क न समझे। पोटका थाना अंतर्गत छोटका सिद्धि गाँव से उपायुक्त के पास आई महिलाओं ने गांव के तालाब का चोरी छिपे ऑक्शन करने पर विरोध प्रकट किया है। महिलाओं का कहना है कि उक्त तालाब की देखभाल लंबे समय से महिला समिति द्वारा की जा रही है। मछली पालन से लेकर चारा डालने का कार्य करने वाली महिलाओं से छिपाकर तालाब को गुप्त रूप से किसी और के नाम ऑक्शन कर दिया गया है। ये है कि तालाब का जो कोटका विधानसभा का तालाब है, सिद्धि गांव, छोटा सिद्धि गांव में तालाब को ऑक्शन हो गया, जो कि मैंने महिला से ना पता है, महिला समिति भी खड़ा हुआ, महिला समिति को मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला, जबकि महिला समिति के लोग जो है, ये लोग महिलाएं पहले से जुड़ी हुई है जवाहर उत्पादक, जो मछली आएगा चारा आएगा वो सब लोग कहाँ डालेगा। अभी आप लोग किसके पास आए थे, क्या मांगा आप लोगों से? हाँ, डीसी के पास आए थे और हम लोग एप्लीकेशन लिखे हैं कि जो तालाब का ऑक्शन चोरी चुपके हुआ या ये लोगों को खबर नहीं मिला वो फिर से हो। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने टाटा नगर स्टेशन मैनेजर से महिला कावड़ियों के लिए एक विशेष बोगी की व्यवस्था करने की मांग की है। मालूम हो कि टाटा नगर स्टेशन से हजारों की संख्या में कावड़ी बाबा धाम जाते हैं, कई ट्रेन उस ओर जाती है, पर महिला कावड़ियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन पांडे ने स्टेशन मास्टर से अलग बोगी की व्यवस्था करने की मांग की है। जमशेदपुर से सावन माह में लाखों कांवड़िए बाबा धाम की जलाभिषेक कर रहे हैं, यहाँ से जाते हैं, और महिलाओं की तादाद जमशेदपुर टाटा नगर स्टेशन से बहुत होती है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने रेलवे प्रशासन से ये मांग की थी कि यहाँ से महिला कांवड़ियों के लिए अलग महिला बोगी की व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा का मतलब ध्यान रखा जाए। शहर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा वैद्यनाथ सेवा समिति द्वारा कांवड़ियों को निःशुल्क बाबा नगरी की यात्रा कराई जाती है। इस वर्ष पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर 501 श्रद्धालुओं को निःशुल्क बाबा धाम की यात्रा करवाई जाएगी। ये आयोजन सिर्फ गरीब तबके के श्रद्धालुओं के लिए है। 21 जुलाई को श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया जाएगा। बाबा बैजनाथ सेवा संघ जमशेदपुर के द्वारा विगत 3 वर्षों से लोगों को निःशुल्क कांवड़ यात्रा में ले जाया जाता है।
इस बार बाबा की कृपा से हम लोग 501 लोग को लेके 21 तारीख को बाबा नगरी जाएंगे। इसके लिए संघ के द्वारा 8 कोच बस, 10 छोटी गाड़ी और 30 लोग टाटा पटना ट्रेन से रिजर्वेशन कराया गया है। हम लोग 21 तारीख को मानगो के हीरा होटल मैदान से निकलेंगे। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर का प्रतिष्ठान समारोह बुधवार को आयोजित हुआ। समारोह में ललिता शेखर को नई अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई। समारोह में पूर्व अध्यक्षा मेघा तुलसियार ने अध्यक्ष पद का जिम्मा ललिता शेखर को सुपुर्द किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जानी मानी समाज सेविका सूर्या वेंकट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सत्र का नया बैच पहनाया एवं क्लब के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निष्ठापूर्वक कार्यों के निर्वहन हेतु शपथ दिलाई गई। टाटा नगर रेलवे स्टेशन परिसर में इंडियन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। टाटा नगर स्टेशन में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों और मजदूरों के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सफाई कार्यों में लगे कर्मियों का स्वास्थ्य और नेत्र ठीक रहे तभी तो वे सफाई का काम ठीक से कर पाएंगे। इंडियन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा समय समय पर इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है। इसलिए हम लोग नगर निगम क्षेत्रों में भी जितने भी सफाई कर्मी हैं उन लोगों के बीच में जाकर के उन लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं, उन लोगों के नेत्र जांच शिविर का आयोजन करते हैं ताकि वो अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा यह क्षेत्र स्वच्छ रह पाए। कमल क्लब के सदस्यों ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए वीडियो पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। सरकार ने खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कमल क्लब का गठन किया था। पंचायत सदस्यों को सभी प्रखंडों में बैंक खाता भी खोलने को कहा गया है जो काम प्रगति पर है, मगर वीडियो द्वारा उन पर कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खोलने का दबाव दिया जा रहा है। कमल क्लब को सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जोर शोर लगा दिए हैं, ते नहीं है। अभी हम लोग को ये सख्त आदेश दिया गया कि खाता खोलना है, बैंक ऑफ इंडिया में सरकार का गाइडलाइन है। इन्होंने क्या किया, बैंक के कटक महिंद्रा बैंक के साथ इन्होंने एक समझौता, गुप्त समझौता कर लिया है और गुप्त समझौते के तहत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोटी रकम का डील हुआ होगा और उस मोटी रकम के चलते जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार और उसके सहायक जो हैं बसंत कुमार श्रीवास्तव की मिलीभगत से इन्होंने कटक महिंद्रा बैंक को आज पंचायत समिति भवन में सुबह से बैठा दिया कि कहना है कि खाता खोलना है, जबकि कल भी इसका विरोध हुआ कि हम प्राइवेट बैंक में हमारा पंचायत समिति पंचायत स्तरीय जो कमल क्लब है उसको किसी भी स्तर पर खाता नहीं खोलना है। अभी हमने डीडीसी साहब से दूरभाष पर बात की तो उनका भी साफ आदेश है कि हम कटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट पर पैसा नहीं भेज।